मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अर्बन विभाग डेवलपमेंट में जो कुछ वैकेंसी आई थी उसके बारे में, सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है सो सारा डिस्कस करेंगे। ज्वाइनिंग कब होगी, कब होगा इसका इंटरव्यू वगैरह, सो सारा एक एक करके डिस्कस करेंगे, देखते हैं आगे की ओर। इससे पहले बता दें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन अगर आ रहा है हाल ही का। बिहार में और सारा वैकेंसी आने वाला है गाइस, सो आईटीआई टीचर के लिए वैकेंसी काफ़ी सारा आने वाला है। सो कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा है मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम पे भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएगा तो मैं आप लोग को नोटिफिकेशन में पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे की ओर। मैं इस पोस्ट के लिए बात करूंगा, और जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो है, ये जो 463 पोर्ट हाल ही का AEJEE दोनों होने वाला है। आप लोग भी जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन है जिसके कारण से बहुत ही जल्दी हर चीज़ ज्वाइनिंग होना है। मैं आप लोग को नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा जो भी आया, एक पेपर कटिंग न्यूज़ है जो भी आया आपको दिखाऊंगा। और मैं बता दूं, हाँ बहुत जल्दी ही होने वाली ज्वाइनिंग 100% भाई, ठीक है। एक्चुअली क्या है, क्या अभी इलेक्शन इलेक्शन है तो हर देख रहे होंगे कि अभी काफ़ी सारे वैकेंसी भी आने वाला है, ठीक है, और आ ही रहा है और आने वाला भी है। अभी कुछ दिन पहले आईटीआई टीचर का भी आया था सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर आने वाला है, काफ़ी सारा वैकेंसी आने वाला है। सो ये इस वैकेंसी के बारे में दिखा रहा हूँ आप लोग को क्या दिया गया है। तो गाइस यही एक नोटिफिकेशन है जो आप लोग देख सकते होंगे 2 सप्ताह के अंदर। एक मिनट, 2 सप्ताह के अंदर JEE और AE का क्या होगा कि बहाली होगा, ठीक है। ये गैस रियलिटी बात है। मैं बता दूं कि एक्चुअली क्या हुआ था, जैसे अगर आप लोग फॉर्म भरे थे 27 तारीख है, उसके बाद क्या हुआ था कि कुछ अपना मतलब जो होता है ना कि अपना प्रोसेस में वो लोग लगे थे, ठीक है। अब क्या होने वाला है कि उसके बाद जो काउंसलिंग बोला ना, कैंसलिंग नहीं होगा शायद, काउंसलिंग मेरे ख्याल से इंटरव्यू होगा, ठीक है, जो आप लोगों को पटना बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और जो मैं बता दूं कि ये पटना बुलाने के बाद इसी पोस्ट के बारे में जो मैं अभी दिखा रहा था कि कितने कितने वैकेंसी, यही सब लिखा और कुछ भी नहीं, ये फालतू क्या बात है, ठीक है। 61 वैकेंसी वगैरह है, ठीक है, यही सब है। और जो ये बहाली होने वाला है सो आप लोग देख सकते हैं, 15 और क्या है, 15 और 16 फरवरी तक का होने वाला है ये बहाली, ठीक है। मतलब जल्दी ही कर जाएगा, क्योंकि एक्चुअली इसलिए जल्दी करेगा क्योंकि जानते हैं कि बहुत ऐसा काम भी रुका हुआ है, इस कारण से जल्दी करेगा। अगर और उसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं बेचक, आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सब कुछ नहीं है, यही सब बात लिखा गया है कि 18,000 फॉर्म भरा गया है, ठीक है, 18,484 फॉर्म आया है टोटल, ठीक है, 44 मैकेनिकल, 42 CA, जो मैं आप लोग को दिखा दिया, ठीक है। ये सब कुछ नहीं, जो काम का बात है, सटीक पॉइंट है कि ये आपको 15 और 16 फरवरी तक के ज्वाइनिंग दे देगा, 10-11 फरवरी तक का काउंसलिंग हो जाएगा, ठीक है, यही सब है और कुछ नहीं लिखा है। और बाकी बात कुछ पूछना है बेचक पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय।